गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपनी बिहाइव का द साउंड ऑफ म्यूज़िक लेसन 2 पढ़ने जा रहे हैं। द साउंड ऑफ म्यूज़िक मीन्स होता है संगीत की आवाज़। एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, यानी एवलिन ग्लेनी जो है वो किसी भी आवाज़ को बिना सुने समझ सकती थी, यानी वो महसूस कर सकती थी उन आवाज़ों को। God have taken her hearing, but he has given her back something too extraordinary. यहाँ पर ये बताया गया है कि कभी भी एवलिन से जो ईश्वर ने छीन लिया था ना, उसके बावजूद भी ईश्वर ने कुछ उसे एक ऐसी शक्ति दी थी जो हम सुनने के बावजूद भी नहीं समझ सकते, लेकिन वो संगीत को वो गहराई तक महसूस कर सकती थी। Read the following accounts of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. यहाँ पर इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में, एक ऐसी लड़की के बारे में जिसने फिजिकली डिसेबल होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल की। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो रश क्राउड चौसल फायर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर वॉज नर्वस येट एक्साइटेड इज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन एंड द प्रोस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड daunting enough for any teenagers fresh from the a Scottish farm. यहाँ पर बताया कि जो एवलिन है वो एक प्लेटफॉर्म के इधर खड़ी हैं, बहुत दुबली पतली सी हैं, जो लगभग 17 साल की हैं, और वहाँ पर काफ़ी हस्टल बस्टर सा मचा हुआ है, मीन्स यहाँ पर काफ़ी आवाजाही चल रही है, और वो महसूस कर रही हैं। जैसे ही उन्होंने ट्रेन की आवाज़ को सुना, महसूस किया, उसके कंपन को सुना है ना, तो जो उनको एक मतलब बेचैन और एक डर सा लगा, क्योंकि आज उनका जो रॉयल एकेडमी में म्यूज़िक में जिनका सिलेक्शन हुआ था उनका फर्स्ट डे था, और सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए वो तैयार थी, और वो मतलब बहुत बुरी तरह से उन्हें सुनाई नहीं देता था, यानी बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था। मींस ये जो 17 इयर्स की टीनेज लड़की है ये सुन नहीं सकती है, जिसका रॉयल एकेडमी में फर्स्ट डे है, और वो उस वजह से थोड़ी सी नर्वस है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। एवलिन ग्लेनिस लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग वेन द 8 ईयर ओल्ड एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले पियानो दे कोल्ड हर नेम एट शी डिडंट मूव आई सडनली रियलाइज शी हैडंट सेज इजाबेल ग्लेनी फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्ड हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अजस्ट हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। ये एवलिन की जो मदर हैं उन्होंने 8 ईयर में ये चीज़ नोटिस कर ली थी कि एवलिन जो है वो सुनने में कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि वो एक दिन पियानो को सुनने पियानो की जो आवाज़ है उसको एवलिन वेट कर रही थी कि वो बजेगा। उन लोगों ने उसको नाम से भी पुकारा लेकिन उसने सुना नहीं। जब उन्होंने उनकी मदर इजाबेल बताती हैं कि कुछ समय तक तो बहरापन उनका था, वो किसी के सामने नहीं आ पाया था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई और जैसे ही वो 11 ईयर की थी, तब उनकी जो प्रिंसिपल हैं या प्रधान अध्यापिका हैं, उन्होंने उनकी मदर को बुलाया और उनके पेरेंट्स को बुला करके ये चीज़ कहा कि वो उसको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं जो उनको इस चीज़ की
मैं हेल्प कर सके, या फिर उसे किसी स्पेशल स्कूल जो ऐसे बच्चों के लिए होता है जो सुन नहीं सकते उसे वहाँ ले जाना चाहिए। नेक्स्ट देखें, थर्ड, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन जो एवलिन है वो गिव अप नहीं करना चाहती थी, यानी वो सीखना छोड़ना नहीं चाहती थी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ ज़ाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वॉन्टेड टू प्ले इट। एक बार उन्होंने डिसाइड किया एक लड़की को ये देखते हुए कि वो ज़ाइलोफोन बजा रही है, उनकी भी इच्छा थी एवलिन की कि वो भी इसे बजाएंगी और सीखेंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड, कुछ टीचर्स ने उन्हें डिस्करेज्ड भी किया, यानी उनको लगा कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी। लेकिन ही बिगेन टू बॉय ट्यूनिंग टू लॉस ड्रम्स। उनके जो एक टीचर्स थे रॉन फॉबर्स जिनका नाम था, उन्होंने उन्हें कोई इस चीज़ के लिए आगे बढ़ाया और कहा कि वो कर सकती हैं। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, उन्होंने कहा कि अपने कानों से कुछ सुनने की कोशिश मत करो। ही वुड से, उन्होंने कहा, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कोई और अदर वे से इन ड्रम्स को सुनने की कोशिश करो, आवाज़ों को, संगीत को पहचानने की कोशिश करो। और एवलिन कहती हैं, सेज एवलिन ने कहा, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम्स फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। फोर्ब्स रिपोर्टेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। एवलिन ने बताया कि जब उन्होंने इस तरह से जब फील करना शुरू किया, तो एक दिन उनको अचानक लगा कि वो अपने कमर के ऊपर के हिस्से में ड्रम को महसूस कर रही हैं, वो अपने अलग अलग बॉडी पार्ट से संगीत को महसूस कर रही हैं, और उन्होंने अपने माइंड और शरीर को आवाज़ों के कंपनों से खोलना सीख लिया, और वो सारी जो संगीत की वेव्स थी वो सारी उनके म्यूज़िक जो है उनकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करने लगी, यानी समझने लगी। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उन्होंने अपने ही शब्दों में ये चीज़ उन्हें कहा कि कभी भी अब उन्हें मोड़ना नहीं सीखा। उन्होंने फिर ये सोचा भी कभी अब मुड़कर नहीं देखेंगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। उन्होंने संगीत की शाही अकेडमी के लिए अपना प्रोग्राम तैयार किया और सबसे हिस्ट्री में उन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर, जो अभी तक किसी ने नहीं पाए थे, उतने नंबर उन्होंने प्राप्त किए। और वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा में अपना परफॉर्मेंस देने लगी। फोर्थ पैराग्राफ लिखा है, एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सपेक्ट एनी हिट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग टू विल गेट देयर। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉर्ट ऑफ आफ्टर मल्टी परकॉनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ द सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट एंड हैटिक इंटरनेशनल शेड्यूल्स। इस सब के बावजूद उन्होंने ये सब उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ऐसा नहीं है कि ये सारी जो उन्होंने अचीवमेंट थी वो उनको अचानक से मिल गई या किस्मत से मिल गई, ये उनको उनकी कठिन मेहनत और सही लाइफ डायरेक्शन से ये सब कुछ मिला और वो इतनी आगे तक पहुंच पाई सही डायरेक्शन में आगे चलते हुए। और वो अब तो वो कुछ मतलब कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स की मास्टर बन गई थी और उनको म्यूज़िक को मतलब अपनी लाइफ में वो उतार चुकी थी। As for music, she explained, it pours in through every part of my body. It tingles in my skin, my cheek bones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips.
उनका कहना था उनके अपने शब्दों में कि जब वो मतलब जो संगीत है वो उनके बॉडी के हर पार्ट में यानी अंग अंग में बस चुका था, यानी कि उनकी स्किन, उनके चेक्स और उनके बाल तक झनझनाहट संगीत की हर चीज़ को महसूस करते हैं। और जब वो ज़ाइलोफोन बजाती हैं तो वो आवाज़ को डंडी से जाते हुए अपनी उंगलियों पर यानी अपनी फिंगर्स पर उस चीज़ को महसूस करती हैं कि वो संगीत उनके हाथों से गुजर के जा रहा है। नॉट सरप्राइजिंग, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्टिक अवार्ड द ईयर अवार्ड। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन जो है अपने ऑडियंस को पूरी तरह से म्यूज़िक की खुशी देती थी, यानी म्यूज़िक को फील करवाती थी। और इन 1991 में उन्हें फिलहार्मोनिक सोसाइटी ने एक प्रतिष्ठित एकल अवार्ड से सम्मानित किया था। और जैसा कि उनके बारे में कहा गया है, उनके मास्टर्स यानी जो उनको सिखाते थे, उन्होंने भी ये बताया कि वो जो म्यूज़िक है उसको एक्सप्रेस बहुत ब्यूटीफुली करती हैं। और उनके मतलब म्यूज़िक को एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लीज मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लेनी ने अपनी लाइफ में जो अचीव किया वो उसकी उम्र से दोगुनी उम्र के लोग भी हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें उन्होंने इसने गेन की वो उनकी हार्ड वर्क और डिज़ायर से की। एंड उन्होंने जो भी किया वो अपनी मतलब अपनी जो डिसेबिलिटी थी उसको डिफीट करते हुए उन्होंने आगे बढ़ी। एंड शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। अगर उन्होंने दूसरों के लिए ये प्रेरणा दी कि अगर वो कर सकती हैं तो कोई भी कर सकता है, और अपनी डिसेबिलिटी को भी दुनिया होते हुए भी दुनिया को खुशी दे सकता है। तो यानी हमने इस चैप्टर में ऐसे डिसेबल पर्सन के बारे में पढ़ा है जो एवलिन ग्लेनी हैं, जिन्होंने सुनने की जो अपनी कमज़ोरी है उसके बावजूद भी उन्होंने जो अचीव हासिल किया और वो लोगों के लिए एक प्रेरणा बनी। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से रीड कीजिएगा और समझिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में इनकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।